I'm extremely excited to see my boy, my brother, my Jota, my tiger, my lion, जो भी बोलो तो बस वो आने वाला है. मैं ऑलमोस्ट पूरे दिन से वेट कर रहा हूँ और अभी बज रहे हैं 11:30 और मुझे सोने का भी मन नहीं कर रहा था ना पढ़ने का मन कर रहा था. आई वॉज जस्ट लाइक वेटिंग फॉर इट. तो बस देखो कितना टाइम और लगता है. मैंने उनको कॉल किया था तो बोल रहे थे 15-20 मिनट में आ जाएंगे. 15-20 मिनट होने वाले हैं, वो लोग आने वाले होंगे. मैं यहाँ पे अभी कार लगी थी तो मैंने कार को यहाँ पे लगा दिया है ताकि यहाँ पे थोड़ा प्लेस हो जाए, वो आके यहाँ पे खड़ा हो सके चैन से. रेसिक्वेंसी हम लोग ऑनियन लेके आए थे बट ऑनियन की रेट वगैरह नहीं मिल रहे हैं. काफ़ी बेहतरीन ऑनियन है, रेसिक्वेंसी साइज बहुत बड़ी बड़ी है बट रेट नहीं मिल रहा है. तो हम लोग सोच रहे कार को फालतू में सेल करें. और पानी वानी वगैरह भी हो रहा है तो इसके सड़ने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं. बिकॉज अगर प्याज में पानी लग जाता है तो इसमें इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है. रात को मैं वेट करते करते सो गया था. मणि आया टेस्ट ड्राइव. कहा जाता कैसा है हैं का हाउ देख सकते हो आप. मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे बता देता हूँ. इससे ए फॉरवर्ड रिवर्स होता है. इसको पीछे की तरफ कर दोगे तो पीछे जाएगा, इसको आगे की तरफ कर दोगे तो आगे की तरफ जाएगा. और मैं थोड़ा सा छोटा सा गियर डाल लेता हूँ बिकॉज चलो तो इसको टर्न करते हैं. काफी ज्यादा स्मूथ है. फुल जैसे भी वाली फील आ रही है. ओके तो बेसिकली गाइस अभी मैं जा रहा हूँ कोचिंग. और कोचिंग से आने के बाद अपन ट्रैक्टर की टेस्टिंग वगैरह करेंगे, चला के वगैरह देखेंगे या तो फिर शाम को चला के देखेंगे. और ट्रैक्टर में एक छोटा सा फॉल्ट है, बस छोटा सा है तो उसको सॉल्व करवाना है. तो या तो फिर ट्रैक्टर को देवरी लेके आ रहा है पापा या तो फिर एक वो मैकेनिक आ रहा है तो वो उसको सॉल्व कर देगा. तो अभी तो अपन चलते हैं कोचिंग. वहाँ पे पहले तो कुछ खाना पीना पड़ेगा बिकॉज मैंने कुछ नहीं खाया है. तो चलो जो होगा देखा जाएगा. लेट्स गो. 500 रुपये जी सर. तो अभी मैं अपनी वॉइस को वॉइस ओवर कर रहा हूँ. एज यू कैन सी मैंने उससे बोला 500 रुपये. तो अब उसने 500 रुपये मीटर में तो लिख दिया है बट मेरे में पेट्रोल नहीं डाला है. उसने साइड वाले के में पेट्रोल डाला है. देखो उसने मीटर में लिख दिया 500 बट मेरे में नहीं डाला. और उसने 110 रुपये का डाला है. एज यू कैन सी साइड वाले ने 160 रुपये का डाला. दे वर ट्राइंग टू स्कैम मी समथिंग लाइक कि वो 160 से और आगे गिनती शुरू कर देंगे तो मुझे 160 या 110 रुपये का घाटा हो जाएगा. देखो पाँच सौ तो करो तो पहले 160 जी.
अगर मैंने उसे ये नहीं बोला होता कि भाई जीरो से करो स्टार्ट, तो उसने तो 160 रुपये से ही स्टार्ट कर देना था और 500 रुपये का डालता, वो मुझे 160 का घाटा हो जाता। जीरो तो कराओ, ठीक है। अरे अकेले हो मोटा, हाँ 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 बस देवा दीपू भी रोक नहीं रहे थे, मान सुन रहे थे, बस देवा में लो तो बस देवा टायर कहाँ ले। आज हम कुछ रिकॉर्ड नहीं कराते, बोलो तुम्हें देख कर रिकॉर्ड कराने लगे का है? हर चीज हर दिन भाई भाई चीज दिखाओ, आदमी बोर हो जाए। सो आज हम कुछ रिकॉर्ड नहीं कर रहे। सर दे रहा हूं निकाल, टायर कहां ले जा रहा है? टायर लावा है यार भैया, भाई सुपर स्प्लेंडर की लाने चाट के नहीं होगा भाई का। चलो लकड़ का होगा स्प्लेंडर को सीधा कर दियो, चलो बैठ के अपन तना कजी हम लात मार दे फटाफट बन जाओ भाई। पंप नहीं है क्या रे तेरे यहां कपड़े डायरेक्ट का है? चले चले और का लम्बड़दार लम्बड़दार पंडा चल भाई ये कल कल यहाँ पर ये मार आए हैं। तुम जाओ जिम और के संग मैं के संग है। अबे हम ये क्यों आए नहीं जा रहे हैं, तुम समझ नहीं रहे बता रहे हम बताओ हम ये क्यों आए नहीं आए। हाँ बता दे, हम तो चू चू कर दे नहीं चू चू कर नहीं है। अबे अबे पेपर में जैसे आज जैसे हमने चले गए कल पेपर टूट जाए परसों में जाना मामा कितने तो कहने पेपर के बाद चार रखे गया। हाँ तो तुम पेपरों को हम सागर चले पेपरों को जन जा रहा सात आज बहाने आए बहाने ऐसे बहाने मारे वे के लाए तो आदमी मारे तेरे जीवन में। तुमने कब से नहीं उठाया डम्बल, हम तुम्हारे बहाने बताए अब डम्बल धरे धरे दिमाग लग रहा है दिमाग और ज्यादा ज्यादा बात है वो तो बहुत पहले को कोचिंग वगैरह कंप्लीट करके आ चुके हैं और अब मैं जा रहा हूँ घर पे, तो बस घर पे चलते हैं। और आज मेरे साथ एक स्कैम होने वाला था पेट्रोल पंप पे। एक्चुअली गाइस उसने 160 रुपए का पेट्रोल डाला, उसके बाद वो सोच रहा था कि मैं इसके में 160 से स्टार्ट करके डाल दूंगा और मैं 160 रुपए बचा लूंगा। बट आई एम इंटेलिजेंट और मैंने वीडियो ऑन करके रखी थी कि अगर ये मेरे साथ कोई भी स्कैम करेगा तो रिकॉर्ड हो जाएगा और फिर मैं पेट्रोल पंप वालों की ऐसी बैंड बजाता कि देखने लायक। बट मैंने बोला कि भाई जीरो तो करो, जीरो विदाउट जीरो करे मेरे इसमें डाल के चालू करने वाला था। बट मैंने कहा भैया पहले जीरो तो कर लो, कहने लगा चलो ऐसा कभी नहीं होता, पहले वो क्या करते हैं जीरो करते हैं उसके बाद से डालना स्टार्ट करते हैं। तो उसने क्या किया 160 का दूसरे वाली गाड़ी में डाल दिया और सीधा आके मेरे में डालने लगा। वो 500 तक डालता और मेरे से बोलता हो गया, ऐसे ही मेरे साथ परसों हुआ था स्कैम। तो चलो घर पे चलते हैं। तो आप सदा देखा करो पेट्रोल डलवाने जाओ तो देखो कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। मेरा ईयरफोन गिर गया तो बस ये भैया इतने तो चाबी ले आया नन्हा की चाबी चला खुल नहीं रहा है बाद आ गई। चलो शाम के यहाँ फिर से हाँ उधर नलका नाम धरवा दी हम ला चलो कहाँ तक ले जाओ सरा जी हम सरा तो अभी अपन इसको लेके जा रहे हैं खेत, थोड़ी और टेस्टिंग करके देखेंगे। अभी थोड़ा सा चलाया है, अरे हैंड ब्रेक खींच देंगे। हाय हाय बोलेरो
अभी बज रहे हैं रात के 8:30 और मैं जा रहा हूँ ट्रैक्टर को डीजल देने के लिए। अपना ट्रैक्टर रेगुलरली चल रहा है बिकॉज अपना जो खेती किसानी का काम था वो काफ़ी ज़्यादा डिले हो रहा था बिकॉज हमें ट्रैक्टर परचेस करना था और हम उसी में लगे हुए थे कि ये ट्रैक्टर परचेस करेंगे वो ट्रैक्टर परचेस करें। हमने लगभग 25 से 30 ट्रैक्टर देखे, हर कंपनी का ट्रैक्टर देखे और फिर जाके लिया। हर चीज़ हर क्राइटेरिया पे अपन ने फोकस किया, पैसों में फोकस किया, हर चीज़ में फोकस किया। तो अब जाके अपन अपने खेती किसानी के काम को स्टार्ट कर रहे हैं। अब से रेगुलरली काफ़ी तेज़ काम चलेगा, मतलब हमें अब धान की नर्सरी वगैरह लगानी और हज़ारों काम है। तो अभी मैं आया हूँ डीजल देने के लिए, तो चलो चलते हैं। यहाँ पे चल रही है अपनी जेसीबी मशीन, अगर कोई दूर से देखेगा तो बोलेगा भाई ये यहाँ पे जेसीबी वगैरह चल रही है, जबकि चल ट्रैक्टर रहा है, जेसीबी जैसी आवाज़ आती है। एज़ यू कैन सी काम चल रहा है और रेगुलरली। अब मैं आया हूँ डीजल लेके, तो इसमें डीजल वगैरह डालते हैं और ड्राइवर को भेज देते हैं घर पे और फिर मैं चलाऊँगा 1 से 1.5 घंटे और उसके बाद चले जाएंगे अपन घर पे, बिकॉज पढ़ना भी है और एक्सरसाइज भी नहीं की है, तो एक्सरसाइज तो आज अपन नहीं कर पाएंगे। हाय हाय मेरे वीडियो, मैं कहता स्वाद आ गया स्वाद। एक्चुअली अभी रात है तो अच्छे से दिख नहीं रहा है, बट गहराई बहुत अच्छी आ रही है। मैं चला रहा हूँ 1:30 में, यानी कि इसमें 3 गियर हैं, लो मीडियम और हाई, तो मैं 1:30 में चला रहा हूँ। और बी के पहले मैं भी अच्छा चलता है, बट अभी मैं 1:30 में चला रहा हूँ। थोड़ी देर बाद मैं बी के में भी चला के देखूँगा।